हाय एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक जो कि 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पूरा हो चुका है। तो इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज रही हैं इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और साथ साथ में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार में, कि इन चीजों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से वीडियो को नहीं रखने के लिए आए हैं। तो प्लीज जो भी हेटर्स हैं या फिर अगर आप बायस्ड एक ओपिनियन के साथ में वीडियो देखेंगे तो आप अभी से वीडियो से बाहर हो जाइए। लेकिन आप इन्फोग्राफिक यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिले, साथ साथ में डेटा हो, फैक्ट हो, इसके एविडेंस पे हम बात करेंगे। तो अगर आप इस लिए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफी कुछ समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम ऐसे कॉन्टेंट लाए तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स हाउ इंडिया हैज चेंज्ड ड्यूरिंग 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हमने देखी है कि कोविड आया, कोविड का मैनेजमेंट वगैरह को लेकर के बहुत सारा सवालिया निशान उठा, और साथ साथ में ये भी कहा गया कि भारत सरकार ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोविड को मैनेज किया। जैसा कि आपको पता होगा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भारत बोला जाता है, तो किस तरीके से हमने सभी अपने जो एशियन नेशंस हैं या जो भी मुल्क हैं फॉरेन में भी, उनको हमने किस तरीके से जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करा कि कोरोना से वो लड़ सके, और इसी के साथ साथ में आर्टिकल 370 को भी जिस तरीके से अप्रोगेट किया गया, और वहां से फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आज जो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हुआ, इवन जो G20 का टूरिज्म मीटिंग भी कश्मीर में सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर लेवल पे काम किया है। आप जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बेहतर काम किया है, इस चीज को हम बिल्कुल समझ सकते हैं। हालांकि डीमोनेटाइजेशन भी एक हम फैक्टर बोल सकते हैं कि जिस तरीके से उसको लगाया गया था वो कहीं ना कहीं एक फेलियर हुआ। इसी के साथ साथ में इकोनॉमी को एक शॉक लगा, स्पेशली जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उन सबको बहुत ज्यादा शॉक लगा, और इसी के साथ साथ में GST वगैरह से भी गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट हो रहा है। और इसके बाद में अयोध्या जैसा भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं जहां पे बहुत सारे ब्लडशेड्स ऑलरेडी हो चुके थे उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीसफुली रिजॉल्व कराया, और बाद में इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी सही से हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाकी चीजों को भी हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा पहला जो है वो GDP को दिखा रहा है कि पिछले 9 साल में, तो जहां फ्रजाइल 5 में हम आते थे और आप देखोगे तो टॉप 5 जो वर्ल्ड इकोनॉमी है GDP के कंटेक्स्ट में, वहां पर अब हम आ चुके हैं जहां पे भारत जो है वो US से चाइना, जापान और जर्मनी के बाद है। और जर्मनी जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी रिसेशन में है, तो अगर हम बहुत ही ढंग से काम करेंगे तो हम बहुत जल्द जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो इनिशियली 2014 में हम कहां थे, तो 10th पोजिशन पे थे, और वहां से हम 5वें पायदान पे आए हैं, ठीक है। हालांकि GDP ग्रोथ की हम बात करेंगे तो GDP ग्रोथ आप देखोगे तो एवरेज जो मोदी गवर्नमेंट में करा गया है वो बेसिकली कहा गया है कि कहीं ना कहीं आसपास में आप देखोगे तो 7% के अप्रोक्स में रहा है, ठीक है। 6 से 6.5 एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी की सरकार है उसमें 8% से 9% के बीच में रहा है। कई बार उसके ऊपर भी सवाल उठा है, अगेन पॉलिटिक्स के लिए हम वीडियो नहीं बनाए हैं। हाँ ये है कि GDP में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह सरकार है उन्होंने बेहतर काम किया है और GDP का एक्सपेंशन उसमें ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ में दूसरे एंगल पे हम देखेंगे ये इन्फ्लेशन की बात करिए किस तरीके से GDP हमने देख लिया। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि किस तरीके से GDP ग्रोथ कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है GDP ग्रोथ लगातार जो है, क्योंकि कोविड आया तो ये डिप कर गया था इस साल, ठीक है, पूरी तरीके से ये डिप कर गया था। यहाँ भी 4% के आसपास ही मिला था, तो ये 9% का ग्रोथ हुआ, लेकिन क्योंकि ये एवरेज को फिर इस वजह से बिगाड़ देता है। जैसा कि हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, उस चीज को मैनेज करना अपने आप में बहुत सारी बातें होती हैं, तो एक हम सिंगल व्यू पॉइंट से लेकर के नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इन्फ्लेशन, तो किस तरीके से इन्फ्लेशन CPI जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे कि हमारे आपके जो जरूरत का सामान है वो जब इफेक्ट होता है उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे केंद्र सरकार जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और इस रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपके सामने ये डेटा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप इस चीज को देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये इवन 12% को भी क्रॉस कर चुका था, जो कि आप देखोगे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके है, तो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रेट्स को दिखा रहा है जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का डेटा है, और बाकी भी आप देख सकते हो किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ये CPI रेड कलर से ओवरऑल दिखा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कहां से किस तरीके से कम होता हुआ मेंटेन आया है।
मॉनसून रेनफॉल भी आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन जो है ये मॉनसून रेनफॉल को दिखा रहा है, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल है ये तो आपको पता ही है। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि दोनों ही सरकारों में बहुत भेदभाव हो, ऑलमोस्ट दोनों ही गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट रहा है, जबकि 46% जो है वो आबादी एग्रीकल्चर में ही है। लेकिन स्टिल उस लेवल पे रिफॉर्म्स के भी हमें और जरूरत है, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, फार्मर्स को और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना, और कहीं ना कहीं उनको अवेयर करना कि वो ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स को भी प्रमोट कर सके, जैसे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 5 लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम्स ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और बाद में आप देखोगे तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और चौथे पायदान पर नरेंद्र मोदी भी आते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सवाल बने तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डेज इन पावर को दिखाया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इसका डेटा प्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पे ये सारे एंगल्स को तो देख लिए हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात, क्योंकि हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान और श्रीलंका वो एग्जांपल्स हैं जिससे हमने देखा कि अगर आपके करेंसी, मतलब आपके पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है तो कंट्री जो है वो स्टेबिलिटी में नहीं रह जाएगा, और इस वजह से गवर्नमेंट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 313 बिलियन हुआ करता था 2014 में, यूएस डॉलर्स में वैल्यू है, वही बढ़कर के 589 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया 2023 तक, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इकोनॉमी के प्रति रेजिलियंस बढ़ेगा, इवन जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है उसको भी जज किया गया कि कितना इंक्लूसिव है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर है, जहां 46% अप्रोक्सिमेट वर्कफोर्स में है, तो ये हमने देखा कि ऑलरेडी दोनों में लगभग सिमिलर रहा है, इवन ड्रॉट वगैरह भी दोनों में आया था, तो चलो एग्रीकल्चर का बैलेंस्ड ही रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोशल सेक्टर वेलफेयर स्कीम्स देखिए, गरीबों का कल्याण कितना हुआ, इस चीज की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सरपास किया है सिंह गवर्नमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, अगेन इसीलिए हम बोले कि वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहाँ जो फैक्ट बात किया जाएगा वो प्रॉपर होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो 2011 में 23% हुआ करता था, 23% अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डेफिनेशन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, कि 2.15 डॉलर पर कैपिटा पर डे अगर इतना कोई अर्न कर रहा है पीपीपी टर्म्स में 2017 के हिसाब से, तो 23% हुआ करता था, जो 2019 में घट करके 10% हो गया। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो खुद में कह रहा है कि 2011 में 23% हुआ करता था पावर्टी, और 2019 में 10% पे आ चुका है पावर्टी। इवन गिनी कोएफिशिएंट एक इंडेक्स है ये, जो कि मेजर करता है इनकम इन इक्वालिटी को, तो ये कॉन्स्टेंट रहा है सेम पीरियड में, ये जो है वो कॉन्स्टेंट रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ा है, तो अगेन ये एक अलग बात होगा, लेकिन यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट जो है वो तो स्टेबल रहने की बात कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि पावर्टी जो है वो कम हुआ है। अलग अलग स्कीम्स हैं बहुत सारे, मतलब प्रोत्साहन वगैरह को भी बढ़ावा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हमने दिया, देखा कि किस तरीके से वो बहुत ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो सोशल सेक्टर में 3 पैरामीटर्स हैं कि किस तरीके से रोजगार, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, तो वहां पे आप देखोगे तो 2006 से 2014 में 208 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, जो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 248 करोड़, माफी चाहूंगा, ये एक्चुअली लोग नहीं है, बेसिकली ये इतने वैल्यू का है। ठीक है, तो ये इतने वैल्यू का है, बेसिकली आपको 248 करोड़ लोगों को देखने को मिल जाएगा कि रोजगार जो है वो दिया गया है। दूसरा है कि एनुअल नंबर ऑफ हाउसेस जो बनाए गए अंडर इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वो भी बढ़ाया गया है, वो 22 लाख से करके 34 लाख कर दिया गया है, मतलब लोगों को जो घर है पक्का मकान वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, साथ साथ में रोजगार मिल सके, इस चीज को भी कवर किया गया है। ठीक है, चलिए एवरेज एनुअल पर्सन डेज ही था, यानी कि 248 करोड़ लोगों को। ठीक है, इसी के साथ साथ में मतलब ये लोगों को रोजगार बढ़ा, ये यहाँ पे घर का बढ़ा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच ना हो, ये स्टेटस जो है वो 2014 में लगभग 40% के आसपास था, जो कि 100% हो गया 2019 में, और इसी चीज को सस्टेन किया जाए, क्योंकि देखिए एक बार शौचालय बन गया तो ऐसा नहीं कि उसको आप ओपन डेफिकेशन फ्री में डाल दोगे, क्योंकि हो सकता है शौचालय तो है लेकिन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की भी एक्सेस होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, उसका मेंटेनेंस वगैरह सारी चीजें, साफ सफाई, तो सेकेंड फेज में इसीलिए लॉन्च किया गया ओडीएफ प्लस, जहां पे 2023 तक की हम बात माने 5 जून का, तो 55% जो भारतीय इनहैबिटेड विलेजेस हैं, जहां पे लोग नहीं भी रहते हैं, उनको भी डिक्लेयर किया गया है ओडीएफ प्लस। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हो कि किस तरीके से सैनिटेशन पे भी फोकस है, हालांकि एक क्रिटिकल फैक्टर हमेशा से रहा है कि लोगों के पास में हाइयर प्रोडक्टिविटी जॉब्स नहीं है, जिसको लेकर के पीएम कौशल विकास योजना जो है वो लॉन्च किया गया, जिसने काफी ज्यादा स्किल सिखाया, लगभग 1 करोड़
37 लाख लोगों को कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल सके और साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया गया है कि एम्पावर किया जा सके यूथ को कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, जॉब सीकर्स नहीं। और इसके लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है वो चलाया गया जो कि रिमार्केबल इंक्रीज दिखाया स्टार्टअप्स वगैरह में और इसके वजह से 100 गुना जो है वो जंप देखने को मिला 2016 के बाद से स्टार्टअप्स में। इवन आपको पता होगा तो सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है उसमें भी भारत टॉप 3 में आता है, स्टार्टअप्स में भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारा जो वीडियो था मोटिव इसका ये था कि हम किसी गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या पॉलिसीज रही हैं और ये बेसिकली एक आर्टिकल था उसके बेसिस पे हमारा था, ठीक है। तो क्या पॉलिसीज रही हैं और किन पर अभी और फोकस करना बाकी है, जैसे कि ठीक है रोजगार वगैरह का बात सही है लेकिन अभी भी हमें हेल्थ वगैरह का हमने जिक्र यहाँ पे नहीं किया, इसका मतलब हमको हेल्थ में और बेहतर काम करना है। एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हमको देखना है कि किस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पे एनवायरमेंट को लेकर के भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, काम कर रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगेन बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबका साथ सबका विकास जो है उसको वाकई लेकर के चला जा सके कि हर लोग जो है वो एक डेवलपमेंट कर सके और जिस तरीके से ये देश है वो आगे बढ़ सके कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो मेंटेन करके चल सके कि जो G20 कंट्रीज में आप देखो कि आज तो भारत ही इकलौता है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लगभग 7% से ज्यादा का GDP पे ग्रोथ रेट दिखा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धता है बिल्कुल पीछे की गवर्नमेंट के पॉलिसी से लेकर के अब तक की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वगैरह के साथ ही देश को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आपने काफी कुछ सीखा होगा नया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। हालांकि एक बात बस रिक्वेस्ट करेंगे कि मर्यादा भी बनाए रखिएगा, कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।